शहर बनारस जितना प्रसिद्ध है उतनी ही प्रसिद्ध है यहाँ की गलियाँ। बनारस के हर गलियों की कुछ अलग ही बात है और उन्हीं तंग गलियों में एक छोटा सा भारत बसता है जहाँ हर धर्म हर समुदाय के लोग रहते हैं। बनारस के इन्हीं तंग गलियों में एक गली है जिसका नाम है कुंज गली। कुंज गली अब जल्द ही देश के पर्यटन मानचित्र में देखा जा सकेगा। बनारस की भूल भुलैया वाली गलियों में शामिल कुंज गली सिर्फ तंग गलियों के कारण नहीं प्रसिद्ध है बल्कि इस गलियों ने दुनिया तक बनारसी साड़ी पहुँचाने में अहम भूमिका निभाई है। यही कारण है कि अब यूपी सरकार ने इस गली को विशेष स्थान देने की तैयारी की है। बनारस की यह तंग गलियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इन्हीं गलियों में एक गली कुंज गली है जिसे बनारसी साड़ी मंडी भी कहा जाता है। आज भी इस गली में लगभग 400 दुकानें हैं जो कि 2 साल से भी अधिक पुरानी हैं। इन दुकानों पर सिर्फ और सिर्फ बनारसी साड़ियां ही बिकती हैं। कुंज गली भाई जब से हमारा जन्म हुआ तब से हम इसको कुंज गली के नाम से जान रहे हैं और खासियत की है कि बनारसी साड़ी की हमारे हिसाब से बनारसी सबसे पुरानी मंडी है। 400 से 500 दुकानें हैं कुंज गली के अंदर और कुंज गली में ही ये व्यवस्थाएँ थी कि पहले बाहर के व्यापारी जो आते थे माल खरीदने के लिए तो कारीगरों से डायरेक्ट जो लेन देन होता था वो कुंज गली में होता था। ये व्यवस्था और कहीं नहीं है। सट्टी जिसको बोलते थे सट्टी की व्यवस्था वो व्यवस्था कुंज गली में थी। समय के साथ ही आधुनिकता के इस दौर में कुंज गली बनारस की आम गलियों की तरह हो गई है लेकिन एक समय था जब यह गली पूर्वांचल के बुनकरों का वह बाजार हुआ करता था जहां बुनकर अपनी कारीगरी का सही दाम पाते थे। उसे अपनी साड़ी बेचने के लिए किसी दलाल की जरूरत नहीं पड़ती थी। बुनकर सीधा कुंज गली आकर इन दुकानों में जो दुकानदार सही दाम दे उसे बेच देता था जिससे बुनकरों को सही मेहनताना मिलता था। बुनकर बताते हैं कि हमारे बाप दादा यहीं आकर अपने द्वारा तैयार किया गया बनारसी साड़ी बेचा करते थे। हम बनारसी साड़ी का काम करते हैं, लाकर कुंज गली चौक में बेचते हैं। बस माल दो और पेमेंट मिल जाता है नगद। वहाँ पर अच्छा नहीं है, लेन देन अच्छा नहीं है, यहाँ पर बेहतर है। कुंज गली के बनारस गद्दी के मालिक कपूर साहब बताते हैं कि 70 साल पहले ये गली एकमात्र बनारसी साड़ियों के लिए जाना जाता था। चाहे खरीदार हो या बुनकर, बनारसी साड़ी के लिए एकमात्र यही गली थी। इसी गली के द्वारा ही पूरे देश में बनारसी साड़ी की सप्लाई होती थी और इस गली ने बनारसी साड़ी को पहचान दी। देश दुनिया के लोग इस गली में आकर बनारसी साड़ी की खरीदारी करते थे। अब ये गली शांत है क्योंकि इस गली की ब्रांडिंग नहीं हो पा रही है जिसके कारण खरीदार बनारस के अन्य स्थानों पर जाने लगे हैं क्योंकि अब दुनिया और देश इंटरनेट से जुड़ गया है और बड़े बड़े गद्दीदारों ने बनारस में अपनी दुकानों की ब्रांडिंग कर दी है लेकिन यहाँ के दुकानदार वही पुराने तरीके से आज भी अपना व्यापार करते हैं लेकिन अब वो व्यापार पहले जैसा नहीं रहा। सट्टी में हम आपको बुनकर से डायरेक्ट माल भिजवाते हैं और शोरूम में क्या होता है कि शोरूम वाला माल खरीद कर अपने दाम से बेचता है। ये एकदम सच है। इसकी वजह ये है कि बुनकर जितने भी हैं बनारस में शायद ऐसा कहीं का कोई बुनकर नहीं होगा जो कुंजली ना आता हो क्योंकि कुंजली आना ही है, चाहे बाहर का व्यवसायी हो और चाहे बुनकर हो तो कुंजली आना ही है। बिना कुंजली आए पूर्ति नहीं होती उसकी। अब क्या स्थिति? अब तो आपके सामने है, सब सन्नाटा है, कोरोना काल में क्या है। सरकार की अच्छी पहल है ये व्यवसाय के लिए। अब तो आने वाले समय मालूम पड़ेगा कि क्या इसका जो है ग्रोथ मिलता है हम लोग। ऐसे में यूपी सरकार ने अब इस गली की ब्रांडिंग के लिए इसको पर्यटन के मानचित्र पर डालने की तैयारी कर रही है। बनारस पर्यटन विभाग के अधिकारी इसे एक बड़ा कामयाबी बताते हैं कि इस गली के ब्रांडिंग के लिए जहां इस गली को मानचित्र में जगह दी जा रही है तो वहीं अब इस गली को पर्यटन विभाग के वेब पेज पे भी अलग से एक कॉर्नर दिया जा रहा है। बनारस की गलियों में खास कुंज गली भले ही चमक दमक के दुनिया में शांत पड़ गई हो लेकिन आज भी इस गली की बनारसी साड़ी विश्वास से जुड़ी है। यही कारण है कि आसपास के शहर के खरीदार और बुनकर आज भी कुंज गली ही आते हैं। ऐसे में सरकार द्वारा की जा रही ये पहल दुकानदारों को संजीवनी प्रदान करेगी तो वहीं बुनकरों के लिए एक उचित बाजार भी तैयार होगा। कुंज गली बनारसी साड़ियों का आप ये कह सकते हैं कि बनारस में सबसे पुराना बाजार का केंद्र है जहाँ पर जिसको आड़त या सट्टी कहते थे लगती थी। कुंज गली को पर्यटन मैप पे जो हमारा वाराणसी का पर्यटन मैप है उस पर इंगित करने के लिए उसकी फोटोग्राफी कराई गई थी। वहाँ लोगों से बातचीत भी की गई थी कि वो क्या चाहते हैं। एक लोगो भी तैयार कराया जाना है वहाँ का। तो अभी तो उसको जो हमारा मैप नया छप के आएगा उसमें कुंज गली कैसे जाना है, कुंज गली में क्या क्या कैसे क्यों प्रसिद्ध है, क्या कुंज गली की क्वालिटी है और कैसे वहाँ पर क्यों बनारसी साड़ी व किस तरह का उद्गम स्थल था, किस तरह लोग आते हैं, ये सब चीज़ों का एक छोटा सा लिटरेचर
और मेन मैप पे इसको इंगित किए जाने की योजना, और नेक्स्ट जो भी मैप आएगा उसमें इसको हम शो करा देंगे। बहुत सारी गलियां पहले से शामिल हैं। कुंज गली के लिए ये यहाँ के साड़ी वालों का एक प्रस्ताव था, एक बैठक हुई थी माननीय मंत्री जी के यहाँ, उसमें ये था कि कुंज गली के अलावा बनारसी साड़ियों, जैसे हर जगह का एक प्रोडक्ट होता है बनारसी साड़ियाँ मतलब कुंज गली, ऐसा था कि कुंज गली बनारसी साड़ियों का सबसे प्राचीन बाज़ार का केंद्र रहा है, जहाँ पर सट्टी लगती थी, बाजार बाजार लगता था, लोग थोक भाव में साड़ी ले जाते थे, जिससे बनारसी साड़ी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थी। पर कहीं ना कहीं आज ब्रांडिंग की वजह से, थोड़ा कम होने की वजह से या कम प्रोपगेशन की वजह से लोगों को नहीं पता है कि कुंज गली ही बनारसी साड़ियों का केंद्र था, तो उसको एक स्थान दिलाए जाने का एक प्रयास है, जिससे कि बनारस आने वाले लोग ये जान सके कि बनारसी साड़ी मतलब कुंज गली से अगर आपने साड़ी ली है तो आपने ऑथेंटिकेट साड़ी ली है। बाकी जगह भी सही साड़ी मिलती है, लेकिन एक आदमी जुड़ाव महसूस करता है परंपरा से, उसके लिए कुंज गली को प्रमोट किया जा रहा है। एशियन न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका, पढ़े इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।